हेलो गाइस, ऑन्कोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कैंसर के कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कैंसर सेल होते हैं वो इन्फिनिटी रेप्लिकेशन करते हैं। उनके अंदर जो रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है वो इन्फिनिटी होती है, और जो कैंसर सेल होते हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ करते रहते हैं। और जो कैंसर सेल्स कंटिन्यू एंजियोजेंसिस करते हैं, अगर वो डोमिनेंट हैं और मेटास्टेसिस स्टेज में एंजियोजेंसिस बना लिए हैं, तो वो एंजियोजेंसिस करके कंटिन्यूस ग्रोथ करते रहते हैं। और गाइस, हम यहाँ पे देखेंगे जो सोमेटिक म्यूटेशंस हैं ये प्रोड्यूस करता है कैंसर सेल्स को, और जो जर्मलाइन म्यूटेशन है ये प्रोड्यूस करता है, ये भी कैंसर सेल को प्रोड्यूस करता है। और जो डीएनए है इसका, ये म्यूटेट हो जाता है। म्यूटेट होने के बाद जो सेल डिवीज़न है वो बहुत तेज़ी से होगा, फास्ट होगा, और जो रेप्लिकेशन होता है वो भी फास्ट होता है, और जो रिप्लेसमेंट होता है वो भी फास्ट होता है। मतलब सेल डिवीज़न, रेप्लिकेशंस और रिप्लेसमेंट, ये तीनों फास्ट होते हैं। सेल डिवीज़न की वजह से अनलिमिटेड सेल बन जाती हैं, रेप्लिकेशन की वजह से, रेप्लिकेशन होता है तो जेनेटिक मटेरियल इसके चेंज होते रहते हैं, और रिप्लेसमेंट की जगह, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है वहाँ पे नई सेल्स आ जाती हैं और वो कैंसर सेल्स वहाँ पे उसको आके कब्जा कर लेती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो जेनेटिकली म्यूटेटेड सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं क्या, वो ग्रोथ फैक्टर को प्रोड्यूस करती हैं। और ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेटर को निकालते हैं, स्टिमुलेटर को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेल बनने लगती है। तो इस तरीके से एबनॉर्मल सेल का निर्माण होता है। और गाइस, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो प्रोडक्शन करती हैं किसका, उनके पास कई तरीके के मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि सर्विलांस मैकेनिज्म्स हैं, इसका इस्तेमाल करके वो एबनॉर्मल सेल के प्रोडक्शन को रोकने का प्रयास करती हैं, मगर ये रोकने में असमर्थ होती हैं। ज़्यादा समय तक वो रोक नहीं पाती हैं, क्योंकि अगर बिनाइन ट्यूमर है तो वो कुछ हद तक रोकती हैं, सर्विलांस लगाती हैं, अगर वो डोमिनेंट है तो उस पर कुछ नहीं कर सकती हैं।